So hello guys and welcome back to our channel Unboxing and Testing. तो आज हमारे पास है ये एवेंजर्स का हल्क टॉय. ये है इसका मेन बॉक्स जहाँ के लिखा हुआ है एवेंजर्स 3+ एज के लिए रोबोट हल्क. हल्क BO रोटेट रोबोट फैशनेबल एंड अट्रैक्टिव इट्स गुड पार्टनर्स टू द चिल्ड्रन. और इसकी कुछ डिटेल्स दी गई है और इसमें तीन फीचर मिलते हैं रोटेशन लाइट एंड वॉइस का. अब नीचे कुछ बॉक्स के बैटरी वार्निंग एंड बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो चलिए इसे खोलते हैं इसके बॉक्स को. और ये है हल्की शील्ड आगे वाली जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है गाइस. और कुछ नहीं है बॉक्स में. ये है हमारा हल्क टॉय. और ये है उसकी शील्ड. तो चलिए अब इस शील्ड को इसके हाथों में फिट कर दे हैं. शील्ड के साथ काफ़ी ऑसम लगता है गाइस ये हल्क टॉय. जैसा कि आपने नोटिस किया है एक छोटी सी LED है जो इस शील्ड के थ्रू हमें लाइट देगी जिससे कि हल्क टॉय काफ़ी ऑसम लगे डार्क में. ये है हमारा हल्क टॉय. इसके नीचे है छोटे छोटे व्हील्स जो कि इसे मूव करने में हेल्प करेंगे. तो चलिए इसमें बैटरीज डालते हैं, टेस्ट कर रहे हैं हमारे हल्क टॉय को. इसके लिए हमें डबल ए बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी 1.5 वोल्ट्स के तीन डबल ए बैटरीज की. ये मैंने बैटरीज डाल दी है. मैं गाइस कहना चाहूँगा कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है जो टच कर रहे हैं तब काफ़ी अच्छा फील होता है. काफ़ी कूल है ये. एंटी टॉक्सिक है मेरे हिसाब से. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिट. तो ये ऑन किया और ये हल्क मूव करने लगा. हाँ लाइट हो रही है गाइस थोड़ी थोड़ी. आपको दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं. ये यहाँ से गाइस प्रोजेक्शन भी करता है. अभी एवेंजर्स के आयरन मैन का प्रोजेक्शन हो रहा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा डार्क में कैसा दिखता है. और यहाँ है इसके छोटे से स्पीकर जहाँ से वो साउंड आता है. वैसे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा सा गिफ्ट है. अगर आप उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है. और मैं कहूँगा इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. हार्ड है. अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फ्यूचर में ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू.